गाइस कैसे हो आप लोग। दिस प्रीति फ्रॉम माय हॉट चॉकलेट। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि प्लीज़ मैम आप यू नो टीनेजर्स के लिए स्कूल कॉलेज हैक्स लेके आओ, लाइक ब्यूटी हैक, लाइफस्टाइल हैक। तो फाइनली मैं आज आप लोग के लिए वो वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊंगी टीनेजर्स जो कि कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं अभी समर सीजन में, अपने यू नो स्किन का केयर कैसे कर सकते हैं। ब्यूटी हैक्स शेयर किए हैं, कुछ लाइफस्टाइल हैक्स शेयर किए हैं जो कि बहुत ज़रूरी रहता है जब आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो। तो अगर आपको देखने हैं वो सब कौन से हैक्स है, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हैक गाइज जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए, टीनेजर्स को तो खासकर, जब भी आप मॉर्निंग में उठो, अगर आपका मॉर्निंग स्कूल है, नहाने का टाइम नहीं मिलता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, नहाने का टाइम नहीं मिलता, आप आके नहा सकते हो, बट आप जब ब्रश करोगे, ब्रश करने के साथ साथ आप जल्दी से अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। मॉर्निंग स्किन केयर तो ज़रूरी है, कोई भी माइल्ड फेस वॉश पिक करिए, अपने फेस को अच्छे से वॉश करिए। डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ सोप। लेकिन जब हम लोग हॉस्टल में थे हमें आइडिया नहीं था फेस वॉशेस के क्या करने, कैसे यूज़ करने, तो हम लोग क्या करते थे, अपना कोई भी बॉडी सोप रहता था वो उठा के मुँह में लगा लेते थे एंड यूज़ टू वॉश आवर फेस। बट ऐसा मत करिएगा गाइस, क्योंकि उस समय में कोई गाइड करने वाला नहीं था। ऑलवेज यूज़ अ माइल्ड फेस वॉश ऑन योर स्किन। थोड़ा सा लो, स्किन को अच्छे से वॉश कर लो, पैड ड्राई कर लो, उसके बाद आपको यूज़ करना है कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर। गर्मी है, गो फॉर लाइट वेट मॉइस्चराइजर। देर आर लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल इन द मार्केट। वी हैव निविया, न्यूट्रोजेना, देन वी हैव लैक्मे, देन वी हैव पॉन्स। तो जो भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सूट करता है आप उसको लगा लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि हम लोग धूप में जाएंगे, बाहर सारा दिन रहेंगे, गर्मी आ गया है, सनस्क्रीन यूज़ करना मत भूलिएगा गाइस। माय पर्सनल फेवरेट इज न्यूट्रोजेना। मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो मैं पूरे फेस में इसको लगाती हूँ। नॉट ओनली ऑन फेस, आई यूज़ इट ऑन माय हैंड्स, पूरे हाथ में भी लगाती हूँ। और अगर मैंने स्कर्ट पहना, अगर हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कर्ट, हम लोग का यू नो स्कूल ड्रेस में स्कर्ट रहता है, तो मैं उसको पैर में भी लगा लीजिएगा आप याद से। तो अगर आप कॉलेज जा रहे हो आपने जीन्स पहना है, नो इश्यूज़, बट अगर आप स्कूल जा रहे हो स्कर्ट पहना है तो आप जल्दी से थोड़ा सा सनस्क्रीन अपने पैर में भी लगा लीजिएगा, हाथ में भी लगा लीजिएगा, ताकि सन डैमेज से आपका जो बॉडी है वो प्रोटेक्टेड रहे और जल्दी से यू नो कोई तरीके का डैमेज ना हो आपके स्किन में। फॉर माई नेक्स्ट स्टेप गाइज, जब आप स्कूल से आओ, पूरा दिन थक के आओ, कॉलेज से आओ, ऑलवेज गो फॉर डबल क्लेंजिंग। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ CGG कॉस्मेटिक्स का जेंटल माइसेलर वाटर विच आर क्लेंजिंग पैड्स। दिस इज 3-in-1। ये डीपली आपके स्किन को क्लीन करेगा, अगर आपने कोई थोड़ा बहुत मेकअप भी लगाया उसको अच्छे से रिमूव कर देगा और आपके स्किन को अच्छे से मैटिफाई कर देगा विदाउट ड्राइंग आउट योर स्किन। दिस पर्टिकुलर क्लेंजिंग पैड्स हैव रोज वाटर, नियासिनमाइड, तो ऑल स्किन टाइप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हो दीज आर 100% कॉटन, इसमें कोई टिश्यू या उस टाइप के कुछ मिले हुए नहीं है, दीज आर प्योर कॉटन। ये वाइप्स भी नहीं है, दीज आर लाइक कॉटन पैड्स जो आप आराम से अपने स्किन में यूज़ कर सकते हो। अक्सर हम जब मेकअप रिमूव करते हैं तो हमें यू नो माइसेलर वाटर चाहिए, अलग से कॉटन पैड्स चाहिए, बट दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ को ईजी कर देगा। आप अगर बाहर से थके हुए कहीं से आ रहे हो, बॉक्स को ओपन करो, टेक आउट वन कॉटन पैड, अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लो। इनफैक्ट जो भी वाटर प्रूफ मेकअप है सब 1-2 स्वाइप में हट जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, एंड देन यू कैन जस्ट वॉश योर फेस। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइसेलर वाटर आई केम अक्रॉस, और मैं करंटली इसी को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। एक बार आप इस माइसेलर वाटर को ट्राई करो, यू विल फॉल इन लव विद दिस। ये पर्टिकुलर मेकअप रिमूवर मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि एक ही बार में सारा मेकअप रिमूव कर देता है, एंड देन आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। स्कूल से आने के बाद ही ये स्टेप कर लीजिएगा क्योंकि पूरा दिन धूप में मिट्टी में हम लोग रहते हैं ना, पूरा स्टिक हो जाता है हमारे स्किन में। तो आप आते ही सबसे पहले आप अपने ना फेस को अच्छे से, अगर आप फेस वॉश नहीं भी कर रहे हो, आप यू नो जस्ट रिमूवर से अपने फेस को क्लीन कर लो, एंड देन रात में आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। फॉर माई नेक्स्ट स्टेप गाइज, यस, मेकअप इज नॉट अलाउड। अगर आप स्कूल में हो मेकअप करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप कॉलेज जा रहे हो, यस आप मेकअप कर सकते हो बट नॉट इन स्कूल। तो स्कूल में अगर आपको थोड़ा सा टचअप देना है अपने आप को, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ 3-4 प्रोडक्ट यूज कर सकते हो और अपने स्किन में वो टचअप दे सकते हो। जस्ट अपने आईब्रोज को थोड़ा सा ग्रूम कर लो, फिल नहीं करना है, जस्ट उसको स्पूली की हेल्प से ग्रूम कर लो। उसके बाद आप अपने लैश कलर से अपने लैशेस को कर्ल कर लो। मस्कारा नहीं लगाना है क्योंकि मैम को पता चल जाएगा कि आपने मस्कारा लगाया, तो नो नीड ऑफ अप्लाइंग एनी मस्कारा। एंड देन यू कैन यूज एनी ऑफ योर लिप बम। स्कूल में लिप बाम आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिपस्टिक, और अगर आपको लिपस्टिक यूज़ करने का मन है यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ न्यूड लिपस्टिक जो कि बहुत लाइट हो और पता ना चले, एंड वोला यू आर रेडी फॉर द डे, आप बेझिझक होके स्कूल जाओ। सो ये लाइट टचअप आप अपने आप को दे सकते हो अगर आप स्कूल में जा रहे हो, बट अगर आप कॉलेज जा रहे हो, येस ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ बीबी और सीसी क्रीम। उसके बाद आप अपने ब्रोज को ग्रूम कर लो, यू कैन यू नो
जस्ट कर्ल योर लैशेज एंड अप्लाई लिटिल बिट ऑफ मस्कारा और फिर आप न्यूड लिपस्टिक लगा लो, इतना ही बहुत है व्हेन यू गोइंग टू कॉलेज. अब स्कूल जा रहे हो तो मैंने 3-step मेकअप आपको बता दिया जिससे कि आप ग्रूम्बा भी लगोगे, यू नो अच्छे लगोगे, टचअप भी लगेगा और बहुत ज़्यादा मेकअप भी आपको नहीं लगाने का जरूरत. फॉर माई नेक्स्ट स्टेप गाइज, एमरजेंसी किट, ये बहुत ही ज़रूरी है. जब हम लोग टीनेजर थे ना, हमें ये सब बताने के लिए कोई नहीं था. आज मैं आप लोग को बताती हूँ ये जो किट कितना इंपॉर्टेंट है और आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए अपने एमरजेंसी किट में. छोटा सा पाउच लो, उसमें आप अपना सैनिटरी पैड हमेशा कैरी करो. नॉट ओनली फॉर यू, अगर आपके फ्रेंड को भी कभी पीरियड्स वगैरह अचानक में हो गए, आप उनका हेल्प कर सकते हो. सैनिटरी पैड के संग मैं हमेशा कैरी करती हूँ सैनिटरी बैग. कहीं अगर यू नो डस्टबिन नहीं मिला फेंकने के लिए तो आप कम से कम बैग में डाल के उसको थ्रो कर सकते हो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट लाइक दैट. नेक्स्ट अप, आप बैंडेज अपने इमरजेंसी किट में ज़रूर रखिएगा, ये बहुत काम आता है आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए. किसी को चोट लग गया उसको आप दे सकते हो. आप लिप बाम कैरी कर सकते हो अगर आप स्कूल जा रहे हो, और लिपस्टिक कैरी कर सकते हो अगर आप कॉलेज जा रहे हो. पॉकेट परफ्यूम इज़ मस्ट, पहले नहीं मिलते थे, आजकल तो अवेलेबल है, इसको ज़रूर रखिएगा जस्ट टू स्मेल गुड. छोटा कोम रखिएगा, बड़ा कोम रखने का जगह नहीं होता है, तो दिस टाइप का स्मॉल कोम आप रख सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कैरी कर सकते हो बोरोलिन. मैं छोटा डिब्बा बोरोलिन का कैरी करती हूँ, वो लगता है कहीं गिर उड़ गया है, इसलिए मैंने बड़ा बॉक्स रखा है बोरोलिन का. फॉर माय नेक्स्ट स्टेप गाइस, टीनेजर्स स्टार्ट वेयरिंग गुड क्वालिटी स्पोर्ट्स ब्रा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. कोई हमें गाइड नहीं करता है, बट इंस्टेड ऑफ वेयरिंग दोज इनर इनसाइड, उसके बदले आप कोई भी अच्छा क्वालिटी अच्छे ब्रांड का स्पोर्ट्स ब्रा पहनना शुरू कर दीजिएगा. क्लास 9-10 में आते ही आप स्पोर्ट्स ब्रा पहनना शुरू कर दीजिएगा एंड वेयर अ गुड क्वालिटी स्पोर्ट्स ब्रा. जो तो स्पोर्ट्स ब्रा मत पहनेगा बिकॉज दैट इज़ द टाइम ऑफ ग्रोथ. तो आप ना अच्छा क्वालिटी का अगर ब्रा पहनोगे तो आपका जो बस्ट है उसका साइज़ भी ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा बल्ज आउट नहीं हो जाएगा, आप कंफर्टेबल भी रहोगे. जब ग्रोइंग टाइम रहता है ना, उस समय थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी आ जाता है और यू नो पेन सा रहता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि क्लास 9-10 में आते आप अच्छा क्वालिटी का स्पोर्ट्स ब्रा पहनना शुरू कर दीजिएगा. नेक्स्ट हैक गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर गर्ल्स जो लोग हॉस्टल में रहते हैं. एक्चुअली वहाँ पे हमें यू नो प्रेस वगैरह नहीं मिलते थे, तो स्कूल शर्ट अगर क्रीज खराब हो गया या अनप्रेस हो गया तो हम लोग क्या करते थे, रात में उसको हैंगर में डाल देते थे, हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर देते थे और तेज पंखा के नीचे उसको रख देते थे. उससे क्या होता था, रात भर जो हमारा प्रेस खराब हो गया है या क्रीज खराब हो गया शर्ट का, वो ठीक हो जाता था और सुबह में यू आर रेडी टू वेयर योर स्कूल शर्ट. फॉर माई नेक्स्ट स्टेप गाइज, अगर आपके माउथ से बहुत स्मेल आ रहा है और स्कूल में च्युइंगम खाना अलाउ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप कोई भी अपने साथ यू नो इस टाइप का इलायची कैरी करिए और यू नो अपने मुंह में इसको डाल लीजिए एंड मुंह में दबा कर रखिएगा, इससे आपका माउथ का स्मेल तुरंत चला जाएगा. और अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है किसी वजह से, यू नो गला में कुछ अटक गया है या बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, आप लौंग भी अपने संग यू नो मिक्स करके रख सकते हो, इलायची और लौंग रख सकते हो, और लौंग को आप मुंह में डालोगे तो जो खांसी आप कर रहे हो क्लास में डिस्टर्बेंस होगा तो उससे यू नो आपको आराम मिलेगा. फॉर माई नेक्स्ट टिप गाइज, अगर आप स्कूल से आ रहे हो या कॉलेज से आ रहे हो और आपका शूज़ यू नो बहुत स्मेल करता है या जो आपने बेली पहना है या सैंडल पहना है वो स्मेल करता है, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं लगाना है, जस्ट उस बेली को सैंडल को या शूज़ को पिक करो, आप टेरेस में जाके उसको रख दो, उसमें जो धूप लगेगा या बालकनी में रख दो जहाँ धूप आ रहा है, वो धूप से जो जितना भी बैक्टीरिया या स्मेल है वो सब गायब हो जाएगा. आप कोई भी शूज़ बेली सैंडल्स चप्पल हील कुछ भी धूप में रख दोगे ना, उसमें से वो बैड स्मेल और बैक्टीरिया चला जाता है एंड देन यू कैन यूज इट द नेक्स्ट डे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो. आप ये सब टिप्स फॉलो कर सकते हो. टीनेजर्स ट्राई करो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने इसमें से कोई भी हैक ट्राई किया. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पर मैं शॉर्ट रील्स शेयर करती हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू सून, बाय.